सामने वो गलत काम चल रहा है, पुलिस वाले देखो उनको उठा के लेके जा रहे हैं, वो देखो सामने यार भाई ये क्या कर रहा है ट्रक वाला, तू तो भाई कांड करवाने लगा था। तो गाइस लेह लद्दाख जाने की तैयारी हमारी फुल हो चुकी है, यही गाड़ी लेके जाऊंगा मैं। बहुत ही लंबी पार्किंग है ये वाली, मतलब यहाँ पे पर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ती, फास्टैग आपके पैसे अपने आप ही काट लेता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ऐसा है यार, आज हम जा रहे हैं जम्मू। बाकी आपको बताता हूँ क्यों जा रहा हूँ मैं जम्मू। बाकी ये यार पीछे से स्टिकर तो सही लग रहा है। गाइस हम निकल चुके हैं, हम पठानकोट पहुँच भी गए हैं और बातें कर रहे थे, हम इतने दिन बाद मिले हैं, थोड़ी बातें कर रहे थे इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बाकी हमारे साथ देखो कौन आया, हमारा भाई आया अभी। हाय गाइस, आपने देखा होगा पहले व्लॉग में जो जम्मू गए थे हम। और भाई अभी का सीन ऐसा है, इसको मैं बोल रहा हूँ अभी रोड, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो रोड। और यार ये देखो सिस्टम क्या है, इधर रोड बन रही है अभी, ये इन्होंने एक साइड ही की हुई है सारी, उधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी गाड़ी आ रही, मतलब लोग कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, समझ नहीं आ रहा इनको क्या कैसे चलानी गाड़ी। जा बोल रहा हूँ जा भाई, लोगों को सिखा के आ गाड़ी, उनको गाड़ी नहीं चलानी आती। कोई इधर लेके जा रहा है भाई सिंगल रोड में, कोई उधर लेके जा रहा है, मतलब एक लाइन में चलो ना, अगर इसी वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं भाई। पीछे भी एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर मतलब पलट गया हुआ था पूरा, वो भी इसी मतलब चक्कर में हुआ है कि कोई इधर से आ रहा कोई उधर से आ रहा है, तो वो उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और उसने ऊपर से पीछे मतलब जो गन्ने होते हैं ना वो भरे हुए थे पीछे। बाकी अभी पठानकोट का टोल आने लगा है, पठानकोट एंटर हो जाएंगे अभी, फिर आपको आगे का सीन देखते हैं क्या है, रात को आपको कहीं लेके जाएंगे जम्मू में। ऐसे यार बादल चेक करो बार, मतलब कितना साफ है आज मौसम, पूरा साफ है मौसम आज बिल्कुल। जो जून जुलाई में गर्मी पड़ती थी ना वो गर्मी अभी पड़नी शुरू हो गई है, और सोच लो आपकी मतलब अप्रैल और मई में क्या हाल होगा, मतलब खुद ही सोच लो कितनी ज्यादा गर्मी है ना भाई। कॉपीराइट लाएगा उसमें क्या। गाइस यार यहाँ से हमने लिए समोसे, यार बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी, टाइम 1:30 बज गया, 1:30 हो चुकी है ठीक है, और मतलब बाद में क्या यार, मतलब बाद में क्या पता क्या मिलना क्या नहीं, इससे अच्छा मैंने कहा चलो एक शॉप आती है रास्ते में, वो बहुत ही अच्छी चीज़ बनाता है, मतलब समोसे हो गए जैसे कुलचा हो गया बहुत ही अच्छा बनाता है। बाकी अभी समोसा खाते हैं, अगर किसी ने खाना है तो आ जाओ, ऐसे ही खाना पड़ेगा। इसको मैंने बोला था साथ में वो डलवा ले चटनी और छोले थोड़े से डलवा ले, इसने डलवाए ही नहीं, कहता नहीं यार रास्ते में खाए नहीं जाएंगे ऐसे। बाकी खाते हैं, मिलते हैं आपको आगे जाके। हम कठुआ एंटर कर चुके हैं और सीट भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि मुझे 2-3 जगह उतरना है, इसलिए मैंने इसको गाड़ी पकड़ा दी अभी को कि तू गाड़ी चला अभी, आगे जाके मैं पकड़ लूँगा रोड पे। बाकी अंदर क्योंकि मुझे 2-3 जगह पे काम है, एक काम हो गया, दूसरा काम भी हो गया, अब तीसरा काम है जो वो आ गया लोकेशन। बाकी भाई तरक्की होनी शुरू हो गई है, देख लो जे एंड के में मैंने बोला था ना कि और थोड़ी देर रुक जाओ, रोड सारे मलाई जैसे हो जाएंगे, पूरे पूरे मलाई कर देने इन्होंने रोड। आगे भी ब्रिज बन रहा है ठीक है, यहाँ पे भी अभी रोड का काम शुरू है, इसके आगे भी ब्रिज बन रहा है, मतलब सांबे में भी फ्लाईओवर पड़ गया ठीक है, उसके आगे आगे भी फ्लाईओवर हो गया तैयार, यहाँ पे भी फ्लाईओवर तैयार होने लगा, ये सारी रोड बनेगी और वो सामने फ्लाईओवर तैयार होगा। मैं दिखाता हूँ आपको वो कितनी देर का इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। बस यार यहाँ पे यही डर रहता है इस रोड पे, जो ऐसी रोड होती है ना कि पत्थर ना कोई आ जाए शीशे में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था 90% चांस यही होते हैं पत्थर लगने के। बाकी वो चेक करो फ्लाईओवर, वो भी तैयार हो रहा है अभी। यार इन्होंने मतलब सारा रास्ता जम्मू तक का कम से कम नहीं तो पठानकोट से लगा लो आप 1-1.5 घंटे का कर देना सारा रास्ता, मतलब बंदा पठानकोट से 1-1.5 घंटे में कम से कम गाड़ी जम्मू एंटर। और कटरे का तो उससे भी इजी हो जाना है, जब से वो अभी बनना है वो फ्लाईओवर, शायद दिल्ली हाईवे जो बन रहा है ना कटरे का, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ से अभी हमने टैंक फुल करवा लिया अपना, इसमें तो टोटल 3300 का डीजल आया है। बाकी यहाँ पे प्रेशर चेक करवा रहे हैं टायर प्रेशर, फिर यहाँ से निकलते हैं जम्मू के लिए। ये रोड चेक करो, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम, अभी के ससुराल आए हैं, इसने पता नहीं कोई सामान लेना था यहाँ से। बाकी ये भाई जो ले आया ना ऑफ रोडिंग पे, अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ जाते टाइम, पहले तो मैं रास्ता समझ रहा था सारा ही, ऑफ रोडिंग चेक करना कैसी ऑफ रोडिंग है ये, कितना खुश हो रहा है भाई अपने ससुराल जाने लगा, कितना खुश हो रहा है। वैसे बस ये रोड चेक करो यार, अब चेक करना सारा रोड है कि नहीं, तगड़ी ऑफ रोडिंग, लेह लद्दाख जाने की तैयारी चल रही है हमारी।
तो गाइस लेह लद्दाख जाने की तैयारी हमारी फुल हो चुकी है। यही गाड़ी लेके जाऊंगा मैं, अगर कोई गाड़ी नहीं ली तो मैंने तब तक। बाकी लेह लद्दाख जाने की अपनी फुल प्लानिंग है अप्रैल या मई, जब भी रास्ता खुल जाएगा फुल प्लानिंग है अपनी। बाकी देखेंगे टाइम पे कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा भाई, कोई जाए ना जाए। बाकी मेरे साथ कौन जा रहा है वो मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगा। बाकी ये चेक करो आप, रोड चेक करो यार, है कि नहीं, असली फीलिंग आ रही है यहाँ पे ऑफ रोडिंग वाली। वो तो अलग बात है, हमारी गाड़ी थोड़ी ना नीचे को है, लेकिन इसको जहां मर्जी डाल दो निकल जाएगी, ये नहीं कोई चक्कर है। जो सही रास्ता है वो आ चुका है, इस यहाँ तक की था बस खराब रास्ता। ऑफ रोडिंग को छोड़ दिया हमने, बाय बाय कर दिया ऑफ रोडिंग को। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और जम्मू निकल जाएंगे सीधा ही। तो गाइस जम्मू में एंटर हो चुके हैं हम, बाकी हम जा रहे हैं अंदर से, क्योंकि बाहर से यार बड़ी ट्रैफिक थी तो मैंने अंदर से मैप लगा लिया जहाँ मैंने जाना, सिर्फ 9 मिनट का रास्ता रह गया, तो अंदर से ही जा रहा हूँ मैं। अंदर से ये मुझे सीधा निकालेगा विक्रम चौक और वहाँ से अपनी लोकेशन पर हम। बाकी यार देखते हैं, कुछ खाते हैं अभी जाते हैं कहीं, पहले काम कर लें, सबसे पहले काम फिर पेट पूजा, काम करके फिर कहीं जाते हैं घूमने, बाबे वाली माता पे दर्शन करने जाते हैं और पार्क में जाते हैं, बागे बाहू पार्क। आज रात शायद यहाँ पे रहनी पड़ेगी, शायद क्या यहाँ पे रुकना पड़ेगा आज रात, क्योंकि सुबह भी काम है कोई, वो बंदे ने सुबह मिलना, वो निकल गया हुआ कहीं से तो सुबह आएगा वो हमारे पास। तो गाइस ये पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है अपनी, ये पार्किंग है शालामार के पास। ये अच्छा सिस्टम है यार पार्किंग वाला, बाहर ना चलान हो रहे हैं, ये सिस्टम अच्छा है, जो पर्ची नहीं यहाँ पे लगती सीधा फास्टैग उठा लेता है। ये बहुत ही लंबी पार्किंग है ये वाली, मतलब यहाँ पे पर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ती, फास्टैग आपके पैसे अपने आप ही काट लेता है आपके फास्टैग से। कैमरा सही नहीं आ रहा, रुको मैं साफ करता हूँ। चेक करो गाइज ये पार्किंग, सारी नीचे पार्किंग है, ये नीचे बस स्टैंड है, जो न्यू बस स्टैंड बना ना जम्मू में, ये वो है, ऊपर सारी पार्किंग है। श्रीनगर जा रहा था ना मैं, जब श्रीनगर जा रहा था ना तो मैंने सोचा था यहाँ पे गाड़ी लगा दो अपनी पार्किंग में, लेकिन यार मैंने 3-4 दिन के लिए जाना था यहाँ पे, गाड़ी कैसे सेफ है या नहीं है पता नहीं, मतलब आगे जब हम जाएंगे ना आगे यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग करके जाएंगे, जब भी हम जाएंगे मतलब बाय एयर श्रीनगर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, फिर मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके जाया करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ, एक मुझे काम है रघुनाथ मंदिर के पास, फिर उसके बाद यार देखते हैं कहीं जाते हैं घूमने, अगर टाइम मिलेगा तो अंदर मंदिर में भी होके आऊंगा रघुनाथ मंदिर। जी ये आ गया रघुनाथ मंदिर, लेकिन अभी पहले वो काम करके आते हैं फिर देखते हैं जाते हैं अंदर। तो गाइस हम एग्जिट कर रहे हैं अभी, अभी यार टाइम ही बड़ा लग गया हमें अंदर, मतलब 6 बजे के गए हुए हैं हम, 8:15 हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये सिस्टम अभी फास्टैग से पैसे देखेगा ना कितने पैसे बने हम अपने, ये देखना अभी देखेगा फास्टैग से कितने पैसे बने अपने, अभी बताएगा 40 रुपये 6 बजे से लेके, मतलब अभी 8:15 हो रहे हैं और 40 रुपये बने हमारे सब। बाकी यार बेल्ट लगा लेते सबसे पहले, ये करो काम, क्योंकि वृंदावन में भी कांड हो गया था मेरे साथ, बेल्ट नहीं लगाई थी, अभी बाहर निकला ही था साथ में पुलिस ने पकड़ लिया। चलो फिर उन्होंने, उसने जाने दिया था, बात करवा दी थी फिर उसने जाने दिया था। चेक करो गाइस जम्मू नाइट लाइफ, उस तरफ भी फ्लाईओवर पे है ये लाइट्स, इधर भी है लाइट्स, इधर भी है, मतलब जम्मू यार आगे से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कर दिया हुआ है, क्योंकि मेन टूरिज्म ही यहाँ से जाता है, श्रीनगर वगैरह जहाँ भी जाना हो मेन पहले टूरिज्म जम्मू में ही आएगा। इसको कहते हैं द ब्यूटीफुल सिटी। सामने वो गलत काम चल रहा है, पुलिस वाले देखो उनको उठा के लेके जा रहे हैं, वो देखो वो सामने यार पता नहीं गलत काम चलता है, ये रोज ही चलता है जम्मू में। क्या ये सिस्टम था जो मैंने आपको बाहर दिखाया यार, यहाँ पे ना सामने गलत काम होता है, मतलब जो समझ लो यार गलत काम होता है सामने, जहाँ हमारा होटल है ना उसके सामने, तो यहाँ पे सिस्टम ये है, मतलब पहले भी जिप्सी 2-4 बार आके लड़कों को उठा के ले गई है, इस बार सीधा FIR ही हो रही है। जम्मू में सबको पता होगा जो जम्मू में आते हैं या जम्मू में रहते हैं बस स्टैंड के पास आके क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे 2-4 बार जिप्सी आई, जिप्सी उठा के ले गई लोगों को, लोग फिर आई जा रहे हैं वापस, मतलब फिर लोग और आई जा रहे हैं, तो अभी पुलिस वाले का झगड़ा हो गया था उसके गाड़ी वाले के साथ, उसको 2 मिनट भाई बंद कर, उसको गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हो गया, गाड़ी वाले के साथ बहस हो रही थी उसकी, मतलब एक पुलिस वाले की तो एक गाड़ी वाले के साथ मतलब हाथापाई भी हो चुकी थी, ठीक है ना, वो मतलब लड़ भी पड़े थे हाथ से,
बाकी अभी चले गए, अभी हम ऊपर आ गए यार, मतलब नीचे कोई फायदा नहीं है खोलने का, नीचे कोई फायदा नहीं है खोलने का भाई, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, फिर कोई पुलिस वाला आके बोलेगा आप क्या कर रहे हो, इससे अच्छा अपने रूम में आओ अच्छे से सो जाओ, ठीक है ना, किसी की बात सुनने से अच्छा अपने रूम में आ जाओ। बाकी मिलते हैं यार सुबह, गुड नाइट। गाइज ये देख लो मैप बीच में बोल रहा है हमारे, ये हम स्कूल के बाहर है किसी, अभी हम जा रहे इधर से लेफ्ट जाना शायद हमको जीवन नगर वाली साइड, तो ये स्कूल के बाहर भाई इतना जाम है, आज पेपर है ना बच्चों का, इतना जाम है ना मतलब कहने की हद नहीं है कोई, अभी ये जाम निकल गया थोड़ा बहुत, बाकी मैं मैप देखता हूँ पहले यार, फिर मैं ब्लॉग बनाता हूँ बाद में, पहले मैप देख लूँ गलत ना चले जाऊँ यार कहीं। हम जम्मू से निकल चुके हैं, ये वही वाला रास्ता है जो नया बन रहा है जम्मू, मतलब जम्मू के पीछे यार इस इधर वाली साइड ठंडी खुई वाला टोल भी नहीं आएगा, टोल के पीछे से एक रास्ता जो नया जा रहा है ना, वो वही वाला रास्ता है ये, मतलब किसी भैया के पास आए थे हम, उन्होंने ये वाला रास्ता हमें बेच दिया, कहते इधर से चले जाओ ये नया रास्ता है, ये सीधा निकलेगा भाई रजौरी वाली साइड निकलेगा, मतलब रजौरी नहीं पलोड़े वाली साइड निकलेगा ये रास्ता, ये मतलब अभी बन रहा है इतना, जहाँ से हम ऊपर आए हैं ना वहाँ तक बन चुका है, उससे आगे अभी बन रहा है, मतलब इधर से यार ठीक है बाईपास है ये, जम्मू के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये रास्ता यार बेस्ट है। वो देखो भाई ये क्या कर रहा है ट्रक वाला, वो तो भाई कांड करवाने लगा था, ये भाई कांड करवाने लगा था यार, अभी कांड अभी बटाला की जगह अभी जम्मू हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ना था। बाकी यार निकलते हैं यहाँ से, चाय वगैरह भी भैया ने पिला दी थी हमें वहाँ पे, वैसे हम पी के भी निकले थे वहाँ से। बाकी टाइम हो चुका है 11:30, तो गाड़ी 3:30 तक हमने लगा देनी है बटाला, मतलब 3:30 क्या उससे पहले ही लग जानी है अगर ट्रैफिक ना मिली रास्ते में। बाकी निकलते हैं इधर से बाहर, तो गाइस हम बटाला एंटर कर चुके हैं, तो सामने हमारे जा रहे हैं राइडर भैया। भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी यार राइडर बनने लगा हूँ, मोटर ब्लॉगिंग करूँगा मैं भी फिर बाद में, अगर उससे पहला ही आ जाए कोई बात नहीं, मैं भी यार राइडिंग शुरू करने लगा हूँ ये बाइक पे। बाकी वो भाई आया राजस्थान से, देख रहा था भाई ये भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, यार रात को मैंने आपको बावे वाली माता के दर्शन करवाने लेके जाना था और बागे बाहू जाना था, ठीक है, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे 7:30-8 तो वहीं पे हो गए थे जहाँ मैं रुका हुआ था, मतलब जहाँ मेरी मीटिंग थी किसी से, मिलना था किसी से जहाँ पे, तो बाकी यार मैं जा नहीं पाया, कोई बात नहीं अगली बार जब फिर से जम्मू जाएंगे फिर से होके आएंगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी सुबह तो निकल गए थे हम वापस, जो जिस बंदे को मिलना था वो आ गया था भाई, 9 बजे आ गया था और 10 बजे हम निकल गए थे अपने होटल से उसको मिलने। बाकी यार करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बस बाय बाय, लव यू।